हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। पिता का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है। सुबह दिखाई, रात दिखाई, मीठी सी प्यारी सी रात दिखाई है प्रभु ने। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह हम सभी को सुबह दिखाता है, रात दिखाता है, संभाल के रखता है, जीवित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखता है। इसके लिए प्रभु का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है, वही स्तुति के योग्य, वही बड़ाई के योग्य, वही तारीफ के योग्य, वही महिमा करने के योग्य, वही धन्यवाद के योग्य मेरे प्रिय। ठीक है, वो आश्चर्य काम करने लगे यहोवा जुलावर हम सभी के साथ रहता है, वो देखते हुए सामर्थ हम सभी के साथ रहती है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजन यदि टूट चुके हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके, हालातों से जूझ रहे हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है। मनुष्य तो आपसे सिर्फ पाप करवाएगा, यीशु मसीह तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह तो जीवन देने आया है परमेश्वर। ठीक है मेरे प्रियजनों, यदि आप बीमार हैं, यदि तमाम इलाज दवाई करा चुके हैं, फिर भी नहीं चंगे हो पा रहे हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज इस वक्त इस प्राणों को सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, और जो जो इस प्राणों में बोला जाएगा उसको आपको रिसीव करना है, और यीशु मसीह के नाम से बोलना है, यीशु मसीह के नाम से अपने आप को ब्लेस करना। यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, करुणा निधि है, राजाओं का राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है परमेश्वर। ठीक है, उसी के अधिकार में स्वर्ग और पृथ्वी है मेरे प्रियजनों, उसी के पास स्वर्ग का अधिकार है कि वही हम सभी को स्वर्ग दे सकता है, अनंत काल का जीवन दे सकता है मेरे प्रियजनों। हमें किसी मनुष्य से नहीं डरना है, हमें किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जिंदा यहोवा जुलाह और परमेश्वर है। ठीक है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप संकट संकेती में हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से पुकारना है, आज आपको यीशु मसीह से पुकारना है, यीशु मसीह को पुकारना है। यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, आपके बंधनों को यीशु मसीह तोड़ेगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप किसी बात का टूट चुके हैं, रो रहे हैं, मिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उदासी में, बेचैनी में हैं, घबराहट में हैं, यदि आप डरे हुए हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आपके हृदय को, मनो को, डर को यीशु मसीह दूर भगाएगा, आपके हृदय मनो को चेंज करेगा परमेश्वर। यीशु मसीह हम सभी के मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकताएं, क्या जरूरतें हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हृदय मन को जांचने वाला परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह जी के पास ये अधिकार है कि वह हम सभी के मनों को जांचता है, जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। ठीक है, यीशु मसीह की आँखें मनुष्य की संतानों को नित्य देखती रहती है, उनको नित्य देखती रहती है मेरे प्रियजनों, चाहे धर्मी हो या अधर्मी, उनको नित्य देखती रहती है, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कैसी चाल चल रहा है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह देखता है हर दिन, हर घड़ी, सुबह यीशु मसीह हम सभी को दिखाता है, तो यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, जो पश्चाताप करने का अवसर, मन फिराने का अवसर, घड़ी टाइम देता है परमेश्वर। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजन। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या आवश्यकताएँ हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उसको काट डालता हूँ, और जो फलती है मैं उसको छाड़ता हूँ, ताकि वह और फले और फल लाए मेरे प्रियजनों। यदि मेरे प्रियजन, यदि हम मसीह में होके भी यदि हम पाप करते, गुनाह करते, गलती करते हैं, तो यीशु मसीह हम सभी को काट डालेगा, नष्ट कर देगा इस पृथ्वी के ऊपर से, और जो मसीह में अपने जीवन वचन के अनुसार जीवन बिताता है, तो यीशु मसीह उसको और छाड़ता, ताकि वह और फले और फल लाए मेरे प्रियजनों। ठीक है, हम सभी को मसीह में फलवंत होना है, फल लाना है। ठीक है, हम सभी को यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करना है। यीशु मसीह ने जो 10 आज्ञाएं दी अपने वचन के माध्यम से, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा, चोरी न करना, चुगली न करना, गाली न देना, व्यभिचार न करना, खून न करना, हत्या न करना, लालच न करना, मेरे प्रियजनों, यही सब आज्ञाएं यीशु मसीह ने दिया है मेरे प्रियजनों। ठीक है, आज यदि आप घबराए हुए हैं, तो आज आपको इस प्राणों को पूरे विश्वास के साथ लास्ट तक सुनना है, लास्ट में अमीन होकर रिसीव करना है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह यह जीवन यीशु मसीह में है मेरे प्रियजनों। ठीक है, यीशु मसीह का वचन कहता है, भजन संहिता 120 अध्याय के 1 वचन में, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह टूटे मन वालों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है मेरे प्रियजनों। ठीक है, यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि आप संकट संकेती में हैं, तो यीशु मसीह को पुकारना, यीशु मसीह आपको बंधनों से छुड़ाएगा, आजाद करेगा, मुक्त करेगा परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह महान, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे मेरे प्रियजनों। ठीक है, आज आपको किसी मनुष्य से नहीं मांगना है,
आज आपको यीशु मसीह से मांगना है। यीशु मसीह आपकी इच्छाओं को जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में बंधन है, शराब के बंधन है, हकारा धारा के बंधन, जादू टोना के बंधन है, तो आज आपको यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है, यीशु मसीह के नाम से मांगना है, वो धधकती हुई सामर्थ को उतारना है अपने ऊपर। ठीक है, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता यीशु पापा, जो आपने मेरे स्वामी सभी को मेरे पिता जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, पिता अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है पिता। इसके लिए पिता यीशु पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। मेरे प्रभु कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते फिर भी नहीं मानते, फिर भी वे मर गए होंगे पिता। वे एक ऐसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते मेरे स्वामी। मेरे पिता वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता, जो आपने मेरे पिता सभी का नाम लेके बुलाया है, आपने संसार से चुना है, चुन के अलग कर दिया है, जीवन की पुस्तक में आपने नाम लिख लिया प्रभु। आपने कहा है मैंने तुझे माता की गर्भ से मैंने तुझे चुना है मेरे पिता। मेरे प्रभु आपने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूँगा यीशु पिता। आपने कहा मेरे स्वामी यीशु पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है मेरे पिता। आपने कहा है यीशु पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा है, पवित्र हैं पिता, आप अति पवित्र हैं मेरे पिता। स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम किए मेरे पिता रातों दिन यही कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, हमारा सेनाओं का यहोवा पवित्र है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। मेरे प्रियजनों, हमको यीशु मसीह के सामने ज़्यादा नहीं बोलना, कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्रियजनों। ठीक है, यीशु मसीह के योग्य कार्य करना है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो बीमार है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके प्रभु, वे नहीं चंगे हो पा रहे मेरे स्वामी। जो तमाम इलाज दवाई करा चुके, पैसा लगा चुके प्रभु, इन्हें नहीं छुटकारा मिल रहा है, नहीं चंगे हो पा रहे हैं मेरे यीशु पिता। यीशु मसीह आपके नाम से इनके जीवन में आदेश देते पिता, ओ पिता सामर्थ उन्हें लिए प्रभु, ताकि ये मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं, ये चंगे होने पाए, चंगाई उन्हें लिए पिता, हील हो जाए, फ्री हो जाए, आज़ाद होना है। होली गो इस बार यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता इन हर एक जनों को छू लीजिए पिता, इनकी बीमारियां चंगी होने पाए पिता, ये चंगे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगी वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा मेरे पिता। आपने कहा है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों की पिता इच्छाओं को जरूरतों को पूरा करें, बीमारियों को चंगा करें पिता। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर पिता, आपने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे महामारी से और बाहेलियों की जाल से बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा मेरे पिता। आप छुड़ाने वाले परमेश्वर, जीवन दान देने वाले परमेश्वर यीशु पिता है मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने रहे नहीं मेरे यीशु पिता, जो पिता इधर उधर अन्य जातियों से उधार ले रहे हैं पिता, जो 100-200 रुपये पर प्रभु, 1000 रुपये पर पिता उधर हाथ फैलाते उधार मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। इनकी गरीबी को, तंगी को, कंगाली को दूर करे पिता मेरे पिता। कोरोना भी लखना छिलाना खुशी में आनंद में बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोले जाएंगे आशीष के दरवाजे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, ढूंढते, खड़खड़ाते इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के पर पिता, वो आशीषें उन्हें लिए पिता, वो बरकतें उन्हें लिए, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, वो स्वर्ग के झरोखे खुल जाएं, हर एक रुकावट के बंधन टूट जाएं, हर एक कराधर के बंधन टूट जाएं, हर एक जादू टोना के बंधन जल के राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस पार यीशु मसीह के नाम से, होली गोस पार यीशु मसीह के नाम से पिता। आपके नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, कांपती, उनकी औकात नहीं यीशु मसीह आपके सामने मेरे पिता। जब ये चांद सितारा आकाश पृथ्वी थरथराते पिता, तो शैतान की क्या औकात यीशु मसीह आपके सामने मेरे पिता। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते यीशु मसीह पिता। वो धधकती सामर्थ्य मेरे पिता हर एक जनों के पिता उंडेल दीजिए पिता। यू टच मी पवित्र आत्मा जी, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए मेरे पिता, ब्लेस कर दीजिए हर एक जन को, ब्लेस कर दीजिए मेरे पिता। मेरे प्रभु जितने लोग आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु,
पिता हर एक जनों को आप छू लीजिए मेरे शमी, मेरे पिता ने पाक शुद्ध करिए पिता, मेरे प्रभु पिता ये जो कुछ आपसे मांगे पिता अपने दीजिए पिता, आप हृदय मन को जश्न ले परमेश्वर पिता, क्या किसको चाहिए, क्या इच्छा है, क्या जरूरत है मेरे पिता आप जानते हैं मेरे शमी, आपने दीजिए पिता आपकी इच्छाएँ, आप इनकी इच्छाएँ जरूरतें जानते हैं आप पूरा करने वाले परमेश्वर पिता, आपने कहा मैं शिर में ही पूछ ठहराऊंगा मेरे पिता, आपने कहा है मेरे पिता, मेरे प्रभु आपने कहा मैं तेरे हाथ देने लिए बना दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता यीशु पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जिनका शादी का रिश्ता नहीं आता पिता, जिनकी शादियाँ नहीं होती मेरे पिता यीशु मसीह पिता आपके नाम से आदेश देते यीशु मसीह के नाम से, वो आदेश देते यीशु मसीह के नाम से पिता, हर एक जो बंधन लगे इनके जीवन में, हर एक रुकावट के बंधन जो इनके जीवन में लगे यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूट जाए, कट जाए, विफल हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, मेरे प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता इनके शादी का रिश्ता नहीं पाए पिता, इनकी शादी आपके वचन के अनुसार होने पाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 मेरे पिता, जो भी सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुना हुए मेरे स्वामी आप माफ करें क्षमा करें मेरे पिता, मेरे पिता हम मानव जाते हैं मनुष्य निर्बल कमजोर होता है पिता, वह पाप में गिर सकता है, व्यभिचार में गिर सकता है, गलतियों में गुनाहों में गिर सकता है मेरे स्वामी, मेरे पिता माफ करें क्षमा करें अपने लहू से शुद्ध करें पिता, आप बर्फ के समान श्वेत करने वाले परमेश्वर पिता, आपने कहा जो अपने अपराधों को मेरे सामने मान लेता है उन्हें छोड़ देता है तो उसके ऊपर दया की जाएगी, मेरे पिता आपने कहा जो अपने अपराधों को नहीं मानता उन्हें छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है यीशु पिता, आपने कहा है मेरे स्वामी, मेरे पिता अपनी गलतियों को गुनाहों को पिता आपके सामने मानते पश्चाताप करते मेरे पिता, गुनाहों से तौबा करते मेरे पिता, आप अपने लहू से शुद्ध करे पिता, माफ करे क्षमा करे पिता, क्योंकि मेरे प्रभु आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे स्वामी, आपने अपना लहू बहा के मेरे स्वामी हम सभी को मोल खरीद लिया, पापों का बोझ गुनाहों का बोझ बीमारियों का बोझ पिता आप अपने पर ले लो, कलरी क्रूस पे चढ़ गए बलिदान हो गए मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हो, आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर पिता, आप जीवन दान देने वाले परमेश्वर यीशु पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, हम प्रार्थना करते जो रात में नहीं सो पाते जिन्हें डर लगता भल लगता गंदे सपने ख्याल विचार आते प्रभु, जब लेटे तब सुख की नींद आने पाई, कोई गंदा कोई गंदी डरावनी सपनी गंदी दुष्ट आत्मा बद्रोही दुष्ट आत्मा इनके जीवन में हस्तक्षेप न करने पाए मेरे पिता, वे अगर हस्तक्षेप करती कार्य करती यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु के नाम में वे निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मुंह खोल चिल्ला और निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने ले भाई से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति अचानक आ पड़े तब तू ना घबराना मेरे पिता, आपने कहा मैं तुझे सहारा दिया करूंगा मेरे पिता, मेरे प्रभु मुझे आशा विश्वास से यीशु पिता आपने प्रार्थना को सुना है, छोटे से मैं तू उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।